नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंग्लिश के इस पेपर डिस्कशन के सेशन में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 4 अक्टूबर का 2018 का जो इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है आपका, पहली आपकी पाली का जो इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग बहुत ही डिटेल में हर एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। ना केवल हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे बट उससे रिलेटेड उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, किस तरीके से वो सेंटेंस बना हुआ है और कौन कौन सी उसमें ट्रिक्स लगाई जा रही है, हर चीज के बारे में पूरा एकदम विस्तृत विस्तार से मैं जो है आपके सामने विवरण करने वाला हूं। बहुत ही डिटेल में आप लोग मेरे साथ इस इंग्लिश के पेपर को समझने वाले हैं, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो किसका है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा मॉडल ऑक्सिलरी का क्वेश्चन है। मैं आपको बताता हूं क्या होता है, पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है हमारा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फॉर द गिवन सेंटेंस। भाई आपको क्या करना है, आपके सामने ये सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है। इस सेंटेंस में आपको एक ब्लैंक दिया हुआ है, उसको फिलअप करना है। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, विल आपके सामने, नीड आपके सामने, ऑट है और दूसरा शुड है। ये चार ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और ये चारों जो है दोस्तों, ये चारों जो है ये क्या है, ये आपके मॉडल ऑक्सिलरी है। क्या है ये, आपके मॉडल ऑक्सिलरी है, ठीक है। मैं आपको ये क्वेश्चन हम लोग समझते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि मॉडल ऑक्सिलरी होता क्या है। देखो क्या है इस क्वेश्चन में, आई डैश लेंड यू सम मनी इफ माई सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड इन टू माई बैंक अकाउंट, ठीक है। आई डैश लेंड यू सम मनी, ठीक है। पहले हम लोग इसका मीनिंग देख लेते हैं। ये जो वर्ड आपके सामने है कौन सा, लेंड। लेंड यू का मतलब होता है उधार देना। क्या मतलब होता है दोस्तों, लेंड यू का मतलब होता है उधार देना या कई बार पैसों को देना, है ना, उसको प्रदान करना कि मैं आपको डैश लेंड यू, है ना, आई डैश लेंड यू सम मनी, कुछ पैसे मैं आपको कुछ पैसे जो है उधार दे सकता हूं, कुछ टाइम के लिए जो है आपको कुछ पैसे मैं उधार दे सकता हूं। इफ, ये जो वर्ड आपका आया कौन सा, इफ। इफ का क्या मतलब है भाई, इफ का मतलब है हमारा यदि। देखो दोस्तों इफ कहीं भी आया, एक चीज याद रखना, इफ कहीं भी आया तो मतलब ये आपका क्या हो गया, इफ के बाद वाला सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस हो गया। कैसा सेंटेंस हो गया, कंडीशनल, है ना, यहां अपन लिख देते हैं कौन सा सेंटेंस हो गया, कंडीशनल सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो इफ माय सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड इनटू माय बैंक अकाउंट, कि यदि क्या होगा कि मेरी जो सैलरी है, मेरी जो सैलरी है वो क्या होगी, क्रेडिटेड हो गई, क्रेडिट हो जाएगी किसमें, बैंक अकाउंट में। दोस्तों जब कंडीशन की बात होती है तो हम लोग, मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूं, जब भी हम लोग इफ जो है, याद रखो इफ जो है और उसके बाद जब भी हम लोग कोई कंडीशनल, इफ जनरली देखो क्या होता है कि अगर इफ आया, भाई आप ये चीज बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, इफ अगर आया तो उसके बाद सेंटेंस कंडीशनल होता है, ठीक है। तो इफ आया, इफ कंडीशनल सेंटेंस आपका, उसके बाद कंडीशनल सेंटेंस आया, उस कंडीशन में आपका जो स्टार्टिंग जो सेंटेंस है, ठीक है, स्टार्टिंग सेंटेंस जो है उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, उसमें हम लोग शुड लगाने वाले हैं। कौन सा क्या लगाने वाले दोस्तों, उसमें हम लोग शुड हम लोग उसके अंदर लगाने वाले हैं, ठीक है। ये वापस से हम लोग इसको लिख देते हैं, ये हमारा हो जाएगा शुड, ठीक है, क्लियर है। तो शुड लगा देंगे तो आंसर तो वैसे ही आ गया शुड, लेकिन हम लोग थोड़ा इसको डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। केवल आंसर्स नहीं करना है आज हमको, बहुत डिटेल में हम लोगों को डिस्कशन भी करना है, ठीक है। तो आप देखो पहले हमारा मॉडल जो है वो होता है विल, ठीक है। अब विल यहाँ पे, विल का मतलब क्या होता है, विल देखो दोस्तों, विल हम कब लगाते हैं, जब हम 100% पूरा 100% जो है किसी चीज के लिए हम लोग क्या है, श्योरिटी है, 100% अपन उस चीज को श्योर है, मान के चलेंगे कि ऐसा होना ही होना है, तो हम लोग विल लगाते हैं। तो देखो आप यहाँ क्या हो रहा है, आई विल लेंड यू सम मनी, मैं तुमको पैसे दे दूंगा, लेकिन कब, यदि माई सैलरी हैज बीन
क्रेडिटेड इनटू माय बैंक अकाउंट, लेकिन कब दूंगा, जब मेरी जो सैलरी है वो अकाउंट में आएगी। इसका मतलब वो श्योर नहीं है, इसका मतलब अभी वो उसको जो है प्रॉमिस नहीं कर सकता, ये नहीं बोल सकता है कि यार मैं अभी तुझे पैसे दे दूंगा। अगर ये होता कि नहीं नहीं तो टेंशन मतलब मैं पैसे दूंगा ही दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी कंडीशन हो जाए, तो यहाँ पे विल बराबर होता। बट कंडीशनल सेंटेंस में दोस्तों विल हम लोग नहीं लगाते हैं। भाई एक ये जो आपकी सिचुएशन है, ठीक है, कि पैसे देने की जो सिचुएशन है, ये किस पर निर्भर कर रही है? जब उसको सैलरी मिल जाएगी या जब उसकी सैलरी जो है उसके खाते में आ जाएगी। तो यहाँ पे कंडीशनल में नहीं, विल तो क्या होता है 100%, जब आप श्योर हो तो विल लगाएंगे, तो ये आपका क्रॉस। ठीक, फिर नीड का मैं बताता हूँ, देखो ट्रिक के साथ बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, एक्सप्लेनेशन तो ठीक है लेकिन ट्रिक भी बता रहा हूँ। देखो क्या है नीड जो है दोस्तों, याद रखना, नीड का मतलब होता है जरूरत। नीड का मतलब क्या होता है? जरूरत। अब इसको देखो जरा, आई नीड लैंड यू, अगर नीड आता तो यहां नीड के साथ टू भी लगाना पड़ता भाई, यहां हमको नीड के साथ जो है ना दोस्तों क्या लगाना पड़ता, टू भी लगाना पड़ता, तो हम लोग सोच सकते कि चलो, हम लोग सोच पाते कि चलो ठीक है, नीड के साथ टू लगा तो एक बार हम लोग विचार करते कि हाँ ये भी आ सकता है, नीड टू लेंड यू सम मनी, लेकिन उसका भी क्या मतलब होता कि मुझे तुम्हें पैसे देने की जरूरत है यदि मेरे खाते में जो है पैसे आ जाते हैं, सैलरी आ जाती है, तो ये भी आपका गलत हो जाता। तो पहली बात तो ये कि नीड के साथ टू नहीं है, दूसरी बात नीड के साथ टू होता फिर भी गलत होता। ऑट का तो ये कंसेप्ट है दोस्तों, ऑट कभी भी अकेला नहीं आता है, ऑट कभी भी अकेला नहीं आता है, ऑट के साथ हमेशा, एक चीज याद रखो, हमेशा ऑट के साथ टू लगाना होता है, ऑट टू जो है वो राइट वर्ड होता है। ठीक है, ऑट टू का जो मतलब है, ठीक है, आपका ऑट टू जो है, ऑट टू का मतलब होता है आप किसी एडवाइस की कोई बात कर रहे हो, ठीक है, क्या बात कर रहे हो, किसी एडवाइस की बात कर रहे हो या किसी ड्यूटी, कोई कर्तव्य को निभाने की यहाँ पे जब बात होती है तो हम लोग क्या लगाते हैं, ऑट टू लगाते हैं। तो यहाँ पे ऑट टू लैंड मतलब मुझे तुम्हें पैसे देना चाहिए, तो इस तरह की बात ही नहीं हो रही, टू आ नहीं रहा, ये भी आपका क्रॉस हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ दोस्तों, मतलब हमारा शुड जो है हमारा वो बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है पूरा, हमने एकदम डिटेल में स्टडी करा। ये थोड़ा सा जिन बच्चों के लिए, जिन बच्चों को मॉडल ऑक्सिलरी में प्रॉब्लम आती है उनके लिए मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं कि दोस्तों मॉडल ऑक्सिलरी जो है वो एक तरह के आपके, आप ऐसे समझा करो, एक तरह के ये आपके क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, सहायक क्रिया होती है, क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स होती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स होती है, लेकिन ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स होती है जो अलग अलग परिस्थिति को दर्शाने का कार्य करती है, अलग अलग परिस्थिति। जैसे अगर ये मान के चलो, मैं यहां से इसको हटा देता हूं, जैसे आप ये मान के चलो कि है ना, ये एक्सप्लेनेशन तो हो गया आपको, मैंने क्लियरली पूरा समझा दिया, आंसर भी हमारा आ गया। अब थोड़ा सा हम लोग ये मॉडल के बारे में थोड़ी और डिटेल निकाल लेते हैं, है ना, ताकि हमको जो है क्लियरली चीजों को क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए इतना काफी है। चलिए तो डिटेल में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जैसे पहले तो आपके कुछ मॉडल्स कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये मॉडल्स में आपके सबसे पहले आपका होता है कैन। ठीक है, कैन जो है वो हमारी एबिलिटी शो करता है, क्या शो करता है, हमारी एबिलिटी शो करता है, हमारी काबिलियत को दिखाने का काम करता है। फिर इसका जो पास्ट टेंस है वो हो जाता है कुड। कुड जो है उसको अगर हिंदी देखेंगे तो वो सका के सेंस में, सका, और ये कोई पास्ट की एबिलिटी शो करने के काम में आता है। किसकी एबिलिटी करने के, पास्ट की किसी एबिलिटी को शो करने के काम में हम लोग, उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका हो गया पास्ट एबिलिटी। ठीक है, क्लियर है, पास्ट की किसी एबिलिटी को शो करने के लिए। वैसे ही आपके पास जो है ये होता है शेल। ठीक है, शेल जो है वो होता है, शेल का मतलब भी होता है सकना। स हिंदी अगर इसका देखोगे तो इसका मीनिंग भी होता है सकना, लेकिन शेल अलग अलग तरीके से हम यूज़ करते हैं। जैसे शेल को हम लोग किसी संभावना, कोई संभावना संभावना दर्शाने के लिए भी हम लोग शेल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इट शेल रेन टुडे, है ना, ये हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ये इट शेल रेन
टुडे कि आज बारिश हो सकती है, तो क्या हो रहा है, एक संभावना दर्शाने के लिए हम लोग शैल का यूज करते हैं। अब अगर शैल का मैं पास्ट टेंस में देखूं तो वो आपका होता है शुड, तो शुड भी जो है दोस्तों आपका दो तरीके से यूज होता है। एक तो आपका शुड का होता है कि शुड का मतलब होता है चाहिए, है ना, आपको कोई किसी को आप क्या दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, कोई राय दे रहे हो, उस कंडीशन में आपका शुड यूज हो गया, ठीक है ना। और शुड का एक मतलब होता है कि जब आपका कंडीशनल सेंटेंस में, कभी भी सेंटेंस आपका कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा शुड का प्रयोग हम लोग करते हैं। कौन से सेंटेंस में, ये बिल्कुल याद रखना है, आप लोगों को दिमाग में रखना है कि कंडीशनल सेंटेंस के अंदर शुड का प्रयोग होता है, ठीक है ना। उसके अलावा भी कुछ ऐसे है हमारे, जैसे विल हो गया, अगर विल हमने लिखा तो उसका जो पास्ट टेंस है वो आपका क्या हो जाएगा, वुड आपका विल का पास्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है, ये विल और वुड हो गया, ठीक है। वैसे ही कैन कुड हो गया, शैल शुड हो गया, विन मेड एक नीड हमारा जो होता है ये हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपका ऑट टू है ना, ऑट और टू, ये सब के सब जो है आपके मॉडल्स होते हैं। लेकिन अभी के लिए आप इतना याद रखो कि मॉडल्स एक तरह के आपके हेल्पिंग वर्ब होते हैं, सहायक क्रिया होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, लेकिन क्योंकि इनका थोड़ा सा फंक्शन थोड़ा अलग है तो इनको हमने क्या नाम दे दिया, अलग से इनको एक कैरेक्टराइज कर दिया, इनको हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब करके बोलना शुरू कर दिया, ठीक है। क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को क्लियर है, डी आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन क्या है हमारा, चूज द मोस्ट सूटेबल डिटरमाइनर फॉर द गिवन सेंटेंस। भाई आपको क्या चूज करना है, सबसे ज्यादा सूट होने वाला, सूटेबल फिट होने वाला डिटरमाइनर। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, है ना, क्वेश्चन हमारा है द अल्टीमेट ड्रीम ऑफ डैश कार लवर इज टू ओन अ रोल्स रॉयस। भाई आप में से बहुत से लोगों का ये ड्रीम होगा कि यार एक रोल्स रॉयस बाइक मिल जाए तो बस अपना काम हो जाए, पूरी दुनिया के सफर पे निकल जाएंगे उस बाइक से और अलग ही अपने जलवे होंगे, ठीक है। इस तरह की एक सबको ख्याल होता है, अल्टीमेट हमारा एक सपना होता है और बहुतों का सपना पूरा भी हो जाता है, आजकल बहुत सस्ती भी आ गई ना। तो चलिए, तो ये क्या हो रहा है मीनिंग, अल्टीमेट ड्रीम। देखो अल्टीमेट का मतलब क्या होता है, अल्टीमेट का सेंस निकल के आ रहा है कि फाइनल ड्रीम, है ना, फाइनल ड्रीम, या फिर आप बोलते हो कि बिल्कुल एक एक द अल्टीमेट ड्रीम, मतलब एक इस तरीके से कि जो लास्ट जो ड्रीम है, मतलब जो सबका एक मिला जुला के, मतलब एक ड्रीम जो है जीवन का, जो अल्टीमेट तरीके से बोलते हैं ना कि एक फाइनल ड्रीम, फाइनल से इसका मीनिंग निकल के आ रहा है। तो देखो एक अल्टीमेट ड्रीम, फाइनल ड्रीम जो है किसका, ड्रीम ऑफ कार लवर का। दोस्तों ये देखना, कार लवर आपका जो है ये क्या है, सिंगुलर नाउन है। देखो अब स्ट्रक्चर यहाँ पे काम आ रहा है, कार लवर हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन है। अब आप देखो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं, हाँ डिटरमाइनर थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों डिटरमाइनर वो वर्ड्स होते हैं, देखो डिटरमाइनर वो शब्द होते हैं दैट डिटरमाइंस, क्या करते हैं, दैट डिटरमाइंस, देखो दैट डिटरमाइंस क्या, या तो आपके किसी नाउन को ये डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, या फिर आपके किसी प्रो नाउन को ये डिटरमाइन कर देंगे। डिटरमाइन का मतलब है उसको, उसके बारे में और कुछ क्वालिटीज बताना। जैसे मैंने बोला अ पेन, तो ये देखो अ पेन, या चलो ये दूसरा ले लेते हैं, अ लिटिल वाटर, ठीक है, अ लिटिल वाटर हो गया। तो ये जो वर्ड है आपका अ और लिटिल, ये सारा आपका डिटरमाइनर में आता है। मतलब डिटरमाइनर के अंदर हमारे कौन कौन सी चीजें आ जाती वो हम लोग देख लेते हैं। देखो डिटरमाइनर के अंदर आपके जितने भी आर्टिकल्स हैं, दोस्तों याद रखना, जितने भी आपके आर्टिकल्स हैं वो सारे के सारे, जितने आर्टिकल्स हैं वो सारे इसमें कवर हो जाते हैं, ठीक है। जितने आपके जो एडजेक्टिव हैं, एडजेक्टिव्स हैं वो सारे इसमें कवर हो जाते हैं, यहाँ तक कि आपके जो एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है, एडवर्ब्स होते हैं वो भी सब इसके अंदर कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे डिटरमाइनर्स होते हैं। कौन कौन से वर्ड हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपका मैनी हो गया, ठीक है, एनी हो गया, फ्यू हो गया, ठीक है, फ्यू हो गया, या फिर लिटिल हो गया,
लिटिल हो गया, फिर ये सम हो गया, सम हो गया, या मच हो गया, ठीक है, मच आपका वर्ड हो गया, या फिर सेवरल हो गया, ठीक है, सेवरल हो गया, ये जितने आपके जो कंजंक्शंस होते हैं, ठीक है, इनमें बहुत से कंजंक्शंस जो हैं वो भी आपके डिटरमाइनर्स के काम करते हैं, ठीक है, डिटरमाइनर्स का, तो ये डिटरमाइनर में ये सारी कैटेगरीज आ जाती है, लेकिन आप देखो मैनी, एनी, फ्यू, लिटिल, सम, मच, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके डिटरमाइनर से, चार डिटरमाइनर जो हैं वो आप लोगों के सामने हैं। फर्स्ट वाला है मैनी। अब मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी का क्या मतलब होता है, बहुत बहुत सारे। और दोस्तों मैनी वाले जो हैं, ये याद रखना आप लोग कि मैनी वाले जो हैं उसको ये काउंटेबल होते हैं, हम लोग इसको गिन सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैनी मतलब बहुत सारे, और ये किसके लिए, काउंटेबल, काउंटेबल मतलब जिसको जो गिनती में आ जाए, केवल काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग मैनी लगाते हैं। जैसे मैनी स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है, लेकिन आप मैनी टाइम नहीं लिख सकते हो, मैनी टाइम नहीं लिखोगे, उसके लिए क्या लिखोगे, मच टाइम, क्या लिखोगे, तो उसके लिए आपका क्या हो जाएगा, मच टाइम, क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, अनकाउंटेबल है, क्या है आपका, अनकाउंटेबल है। तो जो अनकाउंटेबल है उसके लिए आपका क्या लगाओगे, उसके अलग वर्ड होते हैं, जैसे ये फ्यू, तो फ्यू भी आपका क्या हो गया, काउंटेबल हो गया, ठीक है ना, फ्यू आपका काउंटेबल हो गया, और फ्यू का मतलब होता है कुछ, फ्यू का मतलब क्या होता है, कुछ। फिर अ लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ का मतलब भी होता है काफी सारा, ठीक है, काफी के सेंस से उसका मतलब होता है। एनी का मतलब होता है आपका कोई, एनी का क्या मतलब निकल के आता है, कोई। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, एक एक करके हम लोग इसको स्टडी करते हैं। देखो अब पेन चेंज कर लेता हूं मैं, आप देखो दोस्तों, आप देखो ये जो मैनी वर्ड है, ध्यान देना, मैनी के बाद जो नाउन आपका आने वाला है वो कैसा आएगा, याद रखना, प्लूरल नाउन। मैनी के बाद कौन सा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन। यहाँ पे प्लूरल नाउन है क्या, कार लवर, ये क्या है, सिंगुलर नाउन, मतलब आपका कैंसल हो गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक, ठीक है ना, ये तो पूरा हमारा एक्सप्लेनेशन था पूरा अच्छे से, क्योंकि मेरा आज के इस पेपर डिस्कशन में यही कोशिश है कि ना केवल हम लोग आंसर्स करें बट पूरा डिटेल में पूरा डिस्कस करें उस टॉपिक के बारे में, एक एक जो डिटेल्स हैं, जो कंसेप्ट हैं वो भी हम लोग क्लियर करते जाएं, ताकि आपका जो बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो भी क्लियर हो जाए, साथ में आपके आंसर्स भी आ जाए, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे, मैनी। देखो मैनी के बाद आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखो चीजें कि मैनी के बाद क्या आने वाला है भाई, प्लूरल नाउन आने वाला है। तो यहाँ पे तो सिंगुलर नाउन है तो मैनी आपका नहीं आएगा। अ लॉट ऑफ, ध्यान देना, ये कभी भी स्ट्रक्चर होता है, अ लॉट और ऑफ, कभी भी ऑफ आया तो ऑफ के बाद में भी इस तरह से क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन ही आने वाला है। अ लॉट ऑफ के बाद भी क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, ये भी आपका क्रॉस आउट हो गया। फ्यू के बाद भी, फ्यू के बाद भी प्लूरल नाउन आएगा सर जी, ठीक है ना, फ्यू के बाद प्लूरल नाउन, मतलब ये भी आपका क्रॉस आउट, ठीक है। बचा क्या, एनी, तो एनी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिकी तरीके से बताया मैंने आपको, द अल्टीमेट ड्रीम ऑफ एनी कार लवर, जो किसी भी कार लवर का जो अल्टीमेट ड्रीम है वो क्या है, इज टू ओन, उसको खरीदना, किसको खरीदना, रोल्स रॉयस को, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया किस तरीके से हमने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली सीक्वेंसेस द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। आपको क्या करना है, ये आपके पास चार ऑप्शन है, 1, 2, 3 और, ठीक है, 1, 2, 3 और 4, चार ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, आपको इसको अरेंज करना है, ठीक है। ये दोस्तों सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है ये आपका, सेंटेंस रीअरेंजमेंट का ये आपका क्वेश्चन है, जिसमें आपको सेंटेंस को प्रॉपरली अरेंज करना है, उसका ऑर्डर देखना है। आप देखो अब इसके कुछ रूल्स हैं, इसके कुछ तरीके हैं, मैं आपको हर एक एक चीजें बता देता हूं। देखो इसमें आप लोग सबसे पहले जो स्टार्टर ढूंढो, सबसे पहले हमको क्या ढूंढना है, स्टार्टर। स्टार्टर का मतलब क्या होता है, जो गांव में स्टार्टर हम लोग इंजन स्टार्ट करते हैं वो वाला स्टार्टर नहीं, यहां पर कौन सा स्टार्टर है, जिससे हमको सेंटेंस की, ये पैराग्राफ की शुरुआत करना है, भाई शुरुआत अपन किससे कर सकते हैं वो देखना है। तो देखो स्टार्टर में
क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, सब्जेक्ट मतलब जो कर्म कर रहा है ना, कर्ता, जो कार्य किया जा रहा है, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसके द्वारा कार्य की पूर्ति हो रही है, कार्य संपन्न हो रहा है, ठीक है, उसको बोला जाता है कर्ता। अब कर्ता कौन हो सकता है भाई? कर्ता में अपन क्या क्या लिख सकते हैं? या तो हम लोग नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम लोग उसमें प्रो नाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, नाउन यूज कर सकते हैं, प्रोनाउन कर सकते हैं। थोड़ा सा आप डिटेल में जाओगे तो हम लोग उसमें जेरेंट, अब बोलोगे सर ये नई नई चीज क्या बता रहे हो आप, तो जेरेंट का थोड़ा सा समझ लो भाई, बहुत क्वेश्चन आते हैं। वर्ब के साथ कभी भी आपने आईएनजी लगाया, ध्यान देना, वर्ब के साथ कभी भी आईएनजी लगाया और उसको सब्जेक्ट की तरह या ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करा तो वो जेरेंट कहलाएगा, ठीक है। आईएनजी वाले जो शब्द जो शुरू में होते हैं आखिरी में होते हैं उसको जेरेंट कहते हैं, बिल्कुल सरल भाषा में, इतना समझ लो दोस्तों। चलिए तो अब आ जाते हैं हम लोग स्टार्टर पे, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि स्टार्टर ढूंढो, ये ढूंढना है कि भाई वो स्टार्टर स्टार्ट कैसे करूं सेंटेंस को, मतलब नाउन या प्रोनाउन से शुरू करो। चलो फर्स्ट देख लेते हैं क्या है। वैष्णवी वॉज अ ब्लाइंड गर्ल, वैष्णवी जो लड़की है वो कैसी लड़की है? वो ब्लाइंड लड़की है, ठीक है। तो ये एक आपका स्टेटमेंट हो गया, समझ में आ रहा है कि वैष्णवी जो है वो अंधी लड़की है। सेकेंड पॉइंट आप देखो, तो क्या इससे स्टार्ट होगा कि नहीं, मुझे ये बताओ, ये मुझे बताओ आप कि क्या इससे स्टार्ट होगा कि नहीं, इससे क्या हम शुरू कर सकते हैं कि नहीं? तो सर जी बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एक तो नाम है, नाउन है, क्या है ये आपका, ये नाउन है, ठीक है, एक चीज तो पता चली नाउन है, और ये एक स्टेटमेंट भी है भाई, वो कैसी लड़की है, वो एक ब्लाइंड लड़की है। तो आप ये मान के चलो, चलो सपोज इससे स्टार्ट हम लोग कर सकते हैं, अभी पक्का नहीं है बस हाँ कर सकते हैं। चलो अब अगला देखो, इट वॉज दिस एटीट्यूड दैट हेल्प्ड हर परसीवर टू ज्वाइन हर फेवरेट इंस्टीट्यूट। अब इसका मीनिंग क्या है? ये एटीट्यूड था, ये उसका जो तरीका एटीट्यूड था जिसने उसको मदद करी टू परसीवियर, परसीवियर मतलब टू हेल्प हर परसीवियर टू, मतलब दृढ़ रहना, उस पर टिका रहना, अड़िग रहना, है ना। यहाँ पे परसीवियर का मतलब है आपका दृढ़, दृढ़ या अड़िग, दृढ़ या अड़िग रहना। तो इसका मीनिंग मैं बता देता हूं कि ये इट वॉज दिस एटीट्यूड, ये जो एटीट्यूड है जिसने उसको सहायता की कि वो उस चीज पर टिकी हुई रहे, अड़ी रहे, टू ज्वाइन हर फेवरेट इंस्टीट्यूट, कि वो जो फेवरेट इंस्टीट्यूट उसका, वो उसको ज्वाइन करके रहे, उस पर एकदम दृढ़ता से उस चीज पे वो बिल्कुल अड़ी हुई रहे, उस पर बिल्कुल दृढ़ निश्चित रहे, ठीक है। तो ये सेंस आ रहा है। अब मुझे ये बताओ यहां पे क्या हो रहा है, इट वॉज दिस एटीट्यूड, ये वो एटीट्यूड है, इसका क्या मतलब है कि इस एटीट्यूड के बारे में कुछ बात हुई होगी, इसका ये भी मतलब है कि इससे पहले कोई सेंटेंस आया होगा, है ना, मतलब इससे हम स्टार्ट नहीं करेंगे भाई, टू से स्टार्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले दोस्तों क्या काम करो, टू से जो भी स्टार्टिंग है सब कैंसिल कर दो, टू से आपके ऑप्शन में क्या आ रहा है, टू थ्री, ये नहीं आएगा, बिल्कुल कैंसिल कर दो, टू से शुरुआत नहीं होगी, और कौन सा, ये फोर है, ये थ्री है, और ये वन है, ठीक, एक ऑप्शन हमारा गायब। दूसरा, शी हैड द नेवर से डाई एटीट्यूड, उसका क्या है, नेवर से, शी हैड, हैड मतलब था उसके पास, है ना, कैसा था, क्या था, नेवर से डाई, कभी भी हार ना, कभी भी नेवर से डाई, ठीक है, एटीट्यूड, कि कभी भी उस तरीके का एटीट्यूड उसका था कि वो कभी भी अपनी हार को स्वीकार नहीं कर सकती, कभी भी हार ना मानने वाला जो एटीट्यूड था। तो शी हैड दिस नेवर से, किस प्रकार का एटीट्यूड, नेवर से एटीट्यूड। दोस्तों एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे कहा कि नाउन से भी शुरू कर सकते हो, प्रोनाउन से भी कर सकते हो, लेकिन कभी भी याद रखना, जब पैराग्राफ की हम बात करें, जब किसी पैराग्राफ की हम बात करें तो वहां प्रोनाउन से शुरुआत नहीं करोगे, वहां कोई ना कोई नाउन होना चाहिए ना, जिसके बाद फिर वो प्रोनाउन यूज हो रहा है। अब यहां पे लिख दिया कि शी हैड, तो अब ये शी कौन है भाई, ये प्रोनाउन कब यूज होता है? देखो प्रोनाउन तभी यूज होगा जब उसके लिए कोई नाउन होगा, तो उसके लिए कोई नाउन शुरुआत में होता है, तो शुरुआत आप उससे नहीं करोगे, मतलब यहां पे भी कुछ गड़बड़ लग रहा है, थर्ड से स्टार्टिंग नहीं होने वाली, थर्ड वाला कैंसिल कर दो दोस्तों, ये थर्ड बी वाला ऑप्शन गया, ठीक गया। आगे अगला देखो, शी एस्पायर टू ज्वाइन IIM बैंगलोर, वापस शी की बात हो रही है कि उसको, उसका एक एस्पायर है, उसकी एक इच्छा है, उसका एक सपना है, ठीक है, एकदम उसने एक महत्वाकांक्षा है उसकी, क्या ज्वाइन करना, IIM बैंगलोर को ज्वाइन करना। तो मतलब शी है ये अननोन लेडी, हमको पता ही नहीं कौन है, ये इससे स्टार्टिंग नहीं होगी, मतलब आपका
फोर्थ वाला भी कैंसिल, मतलब राइट आंसर हमारा आ गया कौन सा दोस्तों, सी वाला हमारा राइट है, 1432 जो है ये हमारा सही अरेंजमेंट है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अरेंजमेंट है कि नहीं वाकई में, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं है भाई। चलो तो फर्स्ट देखो वन, तो ये हो गया वैष्णवी वॉज अ ब्लाइंड गर्ल, भाई किसकी बात हो रही है, वैष्णवी की बात हो रही है जो कि एक ब्लाइंड गर्ल है, बिल्कुल सही है। दूसरा फोर्थ वाला है, तो देखो वैष्णवी वॉज अ ब्लाइंड गर्ल, शी एस्पायर टू ज्वाइन IIM बैंगलोर, वो क्या उसकी एक इच्छा है, क्या इच्छा है उसकी, IIM बैंगलोर को ज्वाइन करना, बिल्कुल ठीक है। आगे थर्ड वाला आप देखो, शी हैड द नेवर से डाई एटीट्यूड, देखो पहले तो उसका ये सपना है कि वो IIM को ज्वाइन करे, फिर उसके बाद उसका नेवर से डाई एटीट्यूड, कभी भी हार ना मानने वाला उसका एटीट्यूड है। और फोर्थ फिर क्या है, सेकेंड देखो, इट वॉज दिस एटीट्यूड, देखो आप इधर कि यहां बात हो रही नेवर से डाई एटीट्यूड, है ना, देखो बिल्कुल जम रहा है, यहां बात हो रही नेवर से डाई एटीट्यूड और फिर इट वॉज दिस, ये वो एटीट्यूड है, मतलब बिल्कुल जाहिर सी बात है, पहले आपका ये आएगा एटीट्यूड का नाम आएगा, उसके बाद इस एटीट्यूड के बारे में और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया शी हैड अ नेवर से डाई एटीट्यूड, इट वॉज दिस, ये जो एटीट्यूड है जिसने उसको सहायता की टू परसिवियर टू ज्वाइन हर फेवरेट इंस्टीट्यूट, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए तो ये तो हमारा पक्का हो गया, सी वाला हमारा सही आंसर है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वाला आपका क्वेश्चन है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द हाइलाइटेड एक्सप्रेशन, ठीक है, ये आपका हो गया दोस्तों, ये आपका सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब इसमें हमको इस ये जो एक्सप्रेशन आपके सामने क्या लिखा है, The two sides need to keep talking until they iron out their differences. ठीक है, अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि two sides, तो यहां sides मतलब क्या, sides मतलब इधर उधर की जो side है उसकी बात नहीं हो रही है, यहां पे side का मतलब होता है पक्ष, ठीक है, दो पक्ष, ठीक है, पक्ष होते हैं ना दो साइड, एक ये वाले पक्ष, ये दूसरा वाला पक्ष, दो पक्षों की बात हो रही है। दो पक्ष नीड टू मतलब उनको चाहिए, उनको जरूरत है किसका, कीप टॉकिंग, करते रहने की, क्या बात करते रहने की, कीप टॉकिंग का मतलब क्या आ रहा है कि बातचीत करते रहने की, बातचीत करते, ठीक है, बातचीत करते रहने की, बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ेगा आपको पूरा डिटेल में। देखो तो ये जो दोनों पक्ष हैं, नीड टू कीप टॉकिंग, उनको बातचीत करते रहने की जरूरत है, अंटिल जब तक की, अंटिल मतलब जब तक की दे आयरन आउट, आयरन आउट का मतलब है, आयरन आउट का मतलब है सॉल्व करना, जब तक कि वो क्या ना कर ले, सॉल्व ना कर ले, या किसी परेशानी का क्या ना कर ले, निराकरण ना निकाल ले, ठीक है, निराकरण ना निकाल ले, उसका किसी भी परेशानी का क्या ना निकाल ले, उसका समाधान ना निकाल ले, ढूंढ ले, इस तरह की बात हो रही, याद रखना दोस्तों, ठीक है। आयरन आउट जो है आपका एक फ्रेज है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब है आपका, और उसका मतलब होता है किसी चीज का समाधान निकालना, निराकरण निकालने, है ना। आयरन आउट देयर डिफरेंसेस, यहाँ पे डिफरेंसेस का मतलब होता है उन दोनों के बीच में कोई विवाद, ठीक है, कोई विवाद की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है ना, या फिर किसी प्रकार का कोई मतभेद, किसी प्रकार का कोई मतभेद उन दोनों के बीच में है, वो मतभेद की इसमें यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, क्लियर है। तो देखो समझ में तो आ गया हमारा सेंटेंस क्या है। देखो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है ना, इसमें मैं आपको यही कहूँगा कि पहले आप मैक्सिमम कोशिश करो कि उसको हिंदी में समझो, उसको जितना अच्छे से हिंदी में समझ पाओगे आपके लिए ये बढ़िया रहेगा, क्योंकि है ना चारों ऑप्शन जो है बहुत ही क्लोजली एसोसिएटेड है। आप अगर डायरेक्ट आप सोचोगे कि एक या दो बार मैं इसको पढ़ लूँ और उसके बाद एक दो तीन इस तरीके से कुछ भी तुक्का जो मारते हैं ना कुछ लोग, उस तरीके से करोगे तो भैया गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अपने को फुल 20 on 20 चाहिए इंग्लिश में, और मैं उसी हिसाब से उसी लेवल से उतनी ही मेहनत से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए मैं बता रहा हूं जैसा बता रहा हूं, बिल्कुल आप करो, आप क्या करो, कोशिश करो उसको बिल्कुल डिटेल में उसका हिंदी पहले निचोड़ निकाल लो कि उसका मतलब क्या है, ठीक है, फिर मैचिंग करो। आप देखो तो टू साइड्स, दो जो पक्ष हैं, ठीक है ना, नीड टू कीप टॉकिंग, इन लोगों को क्या, दोनों पक्षों को जो है भैया बातचीत करते रहने की जरूरत है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बंद हो जाओ, कब तक, जब तक कि दे आयरन आउट, जब तक कि वो अपनी जो दूरियां है, अपना जो विवाद है वो सॉल्व ना कर ले। तो क्या मीनिंग है कि दोनों पक्षों को, जब तक कि दोनों पक्षों के बीच का जो मतभेद है, विवाद है, उसको वो सॉर्ट आउट ना कर ले, सॉल्व ना कर ले, तब तक उनको बातचीत करते रहना चाहिए, ठीक, ये मीनिंग निकल के आया। अब
ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला वाला ऑप्शन, टू साइन अ पीस एग्रीमेंट। अब यहाँ पे पीस एग्रीमेंट क्या किसी एग्रीमेंट को साइन करने की, क्या किसी कागज को, पेपर को, कागजात को साइन करने की बात हो रही है? यहाँ पे नहीं हो रही है ना, उनको केवल बातचीत करते रहने की बात हो रही है, कोई साइन करने की बात, कोई एग्रीमेंट करने की बात तो हो नहीं रही। मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है ना। देखो कितना, अगर हमने इसको समझ लिया तो फटाफट हम लोग इसको कैंसिल आउट कर सकते। और हमेशा पहले आंसर में ढूंढा करो, पहले रॉन्ग चीजें ढूंढा करो, ठीक है। हमेशा पहले ये देखा करो कि क्या फिट नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या फिट हो रहा है वो मत देखा करो, क्या फिट नहीं हो रहा है तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बी वाला आपका है, टू गेट रिड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आर अफेक्टिंग। इसका मीनिंग क्या है? देखो सबसे पहले तो ये जो वर्ड है टू गेट रिड ऑफ, है ना, टू गेट रिड ऑफ का मतलब होता है, टू गेट रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना, ठीक है, छुटकारा पाना, ठीक है, या पार पाना, है ना, पार पाना बोलते ना, पार पालो इस चीज से, पार पाना, ठीक है, या निपटाना। सबसे बड़ी बात ये, निपटाना किसी चीज को क्या करना, निपटाना, ठीक है। तो किसको निपटाना, देखो टू गेट रिड ऑफ प्रॉब्लम, परेशानियों से पार पाना, परेशानियों से छुटकारा पाना, ठीक है, दैट आर अफेक्टिंग, जिसके कारण चीजें असर कर रही है, जिसके कारण सब प्रॉब्लम्स आ रही है ना, और भी दूसरी चीजें अफेक्ट कर रही है। तो वो जो परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स है, उसका सलूशन ढूंढना, उसको पार करना, ठीक है। अगला क्या है हमारा, टू, ये तो होगा नहीं पर ये हो सकता है, ठीक है ना, ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, टू गेट रीड ऑफ प्रॉब्लम दैट आर अफेक्टिंग, कुछ परेशानियों से पार पाना। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो साइड जो उनको बातचीत करते रहना चाहिए जब तक कि वो अपने बीच का मतभेद जो है वो दूर ना करे। मतलब एक तरह से वो किसी एक परेशानी है, कोई एक दिक्कत है, उसको सॉल्व करने की बात हो रही है। देखो मीनिंग, इसका मीनिंग में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इधर तो ये बातचीत करते रहना चाहिए, भाई क्यों बातचीत करते रहना चाहिए, ताकि कोई दिक्कतें हैं वो सॉल्व हो जाए। तो यहाँ भी वही बात हो रही है, ये हो सकता है, ठीक है, ये देख लेते हैं। टू अवॉइड कन्फ्रंटेशन, ठीक है, अवॉइड का मतलब होता है उसे, उसको टालना। यहाँ पे अवॉइड का क्या मतलब होता है, टालना। किसको टालना, कन्फ्रंटेशन को। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है आपका कोई मतभेद, ठीक है, किसी प्रकार का कोई मतभेद होना या फिर झगड़ा, कोई झगड़ा उसको टालना, ठीक है, या कोई विवाद, ठीक है, कोई किसी प्रकार का विवाद या किसी प्रकार की कोई दूरिया, इस तरह का सेंस आ रहा है। तो यहाँ क्या, उसको टालने की बात हो रही, कन्फ्रंटेशन मतलब तू मैं विवाद, कोई डिफरेंस, उसको टालने की बात हो रही है क्या, कि उसको सॉल्व करने की बात हो रही है। ये देखो क्या लिखा है, टू आयरन आउट देयर विवाद, देयर डिफरेंसेस, सॉल्व करना। यहाँ पे देखो अवॉइड का मतलब है उसको छोड़ो यार, टाल दो, मत अभी जैसे झगड़ा हो रहा है ना, अभी उस पर बात ही मत करो, बाद में देखेंगे, तो बाद में फिर बढ़ेगा। तो यहाँ जो झगड़ा है उसको टालने की बात नहीं हो रही है, अवॉइड करने की बात नहीं हो रही है, उसको क्या करने की बात हो रही है, उसको निपटाने की बात हो रही है, उसको सॉल्व करने की बात हो रही है ना। तो ये आपका सी वाला रॉन्ग हो गया, ठीक है, क्लियर है। फोर्थ वाला देखो, टू मीट द प्रेसिंग डिमांड्स इमीडिएटली। जो टू मीट, मीट मतलब पूर्ति करना, ठीक है, क्या करना, मीट का मतलब है आपका यहां पर पूर्ति करना, पूर्ति करना, क्या करना, प्रेसिंग डिमांड, जो डिमांड्स हैं, जो चीजों की जरूरत है तुरंत उसकी पूर्ति करवाना। तो यहाँ पे डिमांड, ये तो बात ही नहीं हो रहा, इररिलेवेंट है, ये तो हमारे सेंटेंस में जम ही नहीं रहा है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो कौन सा हमारा राइट है, बी वाला हमारा राइट हो गया, टू गेट रिड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आर अफेक्टिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म्स द गिवन सेंटेंस इनटू वन। देखो ये आपके पास दो सेंटेंस है, ठीक है, अब इस दो सेंटेंस को जोड़ के, मीनिंग भी चेंज ना हो, इस तरीके से जोड़ के एक बनाना है। तो देखो क्या है, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, है ना, क्या मतलब है कि उसका एक्सीडेंट से सामना हुआ या उसका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हुआ, फिर क्या है, ही वॉज ऑन हिज वे बैक होम, कि वो अपने घर जा रहा था, बैक होम मतलब अपने घर की तरफ जा रहा था। तो एक सेंटेंस है कि उसका एक्सीडेंट हुआ, और दूसरे का मीनिंग है वो अपने घर की तरफ जा रहा था। देखो आप इसको ऑप्शन मत देखो, मैं क्या बताता हूँ, ऑप्शन मत देखो, सीधा आप इसको अपने हिसाब से बनाओ, अपने हिसाब से हिंदी में पहले उसको पूरा पक्का कर लो कि क्या होना चाहिए, फिर हम ऑप्शन देखेंगे। देखो क्या है, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, वो उसका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, फिर
ही वॉज ऑन हिज वे बैक होम। अब यहां पे दो दो कार्य हो रहे हैं, दो कार्य हो रहा, ध्यान देना। एक तो मेट, ये आपका हुआ, ठीक है। अब ये एक्शन हुआ आपका, देखो ये एक्शन हुआ, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, एक्शन वन, ठीक है। एक फिर आपका है ही वॉज ऑन हिज वे, ही वॉज ऑन हिज वे बैक होम, तो वे बैक होम मतलब घर की तरफ जाना, घर की ओर जाना, तो ये आपका क्या हो गया, एक्शन टू, दूसरा कार्य। अब मुझे बताओ, तो ही वॉज ऑन हिज वे बैक की, देखो अब क्या होगा, अब क्या होना चाहिए, देखो भाई ये होना चाहिए ना कि वो अपने घर की तरफ जा रहा था, वो अपने घर जा रहा था और तभी क्या हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया। तो क्या हो रहा था कि उसके घर के तरफ जाने के दौरान, ठीक है, या उसके घर की तरफ जाते समय, वो जब द मोमेंट जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था, है ना, हिंदी अपन करते हैं दोनों को, कि जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था उसका, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। अब हम लोग इसको ऑप्शन में डालते हैं। देखो पहला क्या है, पहला आपका ए वाला हो गया बीइंग, ठीक है, बीइंग ऑन हिज वे होम ही मेट विद एन एक्सीडेंट। अब बीइंग का मतलब क्या होता है, बीइंग का आपका मतलब है कि बीइंग, देखो बीइंग में आईएनजी लगा है, अब आईएनजी का मतलब है आपका कंटिन्यूटी, क्या आ रहा है, कंटिन्यूटी, आईएनजी का मतलब है आपका कंटिन्यूटी, ठीक है। तो कोई चीज जो चलित है, कंटिन्यू है, ठीक है, तो जाते हुए, है ना, देखो बीइंग ऑन हिज वे, तो ये इसका मतलब क्या है हिंदी में, ये हो गया आपका जाते हुए, ठीक है, कोई काम करते हुए। तो बीइंग ऑन हिज वे होम, कि जब वो, ध्यान देना, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, ही वॉज ऑन हिज वे होम, तो बीइंग ऑन हिज वे होम कि अपने घर की ओर जाते हुए, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हो गया। अब आप इसको जब पढ़ोगे तो इसका सेंस सही लग रहा है, लेकिन आपको मैं एक चीज बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट, कभी भी आईएनजी आया ना दोस्तों, तो इसका मतलब है कि दोनों एक्शन एक साथ हो रहा है। वाईएनजी आया तो क्या मतलब है, बोथ एक्शंस टुगेदर, बोथ एक्शंस टुगेदर, इसका क्या मतलब है कि सामने वाले का एक्सीडेंट भी हो रहा है और वो घर भी जा रहा है, दोनों एक्शन एक साथ हो रहे हैं, कभी भी जाते हुए, कभी भी आईएनजी आया मतलब क्या है कि दोनों एक्शन एक साथ हो रहा है, भाई उसका एक्सीडेंट भी यहां पे होते जा रहा है और वो घर भी जाते जा रहा है, तो ऐसा होगा क्या, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, कि बीइंग, बीइंग में बोथ एक्शंस के लिए है, भाई पहले तो क्या होगा कि एक्सीडेंट, पहले वो घर जा रहा था, अब वो घर जाया, एक्सीडेंट हुआ तो घर थोड़ी जाएगा, हॉस्पिटल ही जाएगा, मतलब ये आपका बीइंग रॉन्ग हो गया, बिल्कुल याद रख लो। देखो इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, ये आपका ट्रिक है, ठीक है ना, इस तरीके से बिल्कुल डिटेल में चीजों को हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। अब देखो, तो बीइंग कभी भी आया, याद रखना, दोनों ही एक्शन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रही, कि ये इधर एक्सीडेंट भी हो रहा है, इधर वो घर भी जा रहा है, तो फिर दोनों काम थोड़ी हो रहे हैं। दूसरा है हमारा क्या, वाइल। अब वाइल का भी बड़ा इंटरेस्टिंग फंडा है, वाइल में क्या होता है कि के दौरान, के दौरान, ठीक है, इसमें के दौरान लगा दो तो ये तो वैसे ही समझ में आया, या जैसे वाइल ही वॉज ऑन हिज वे, कि या ते समय, जाते समय, ते समय, इस तरह से उसका मीनिंग आ रहा है, ठीक है। तो वाइल ही वॉज ऑन हिज वे, कि जब जब वो अपने घर की ओर था, है ना, उसके घर की ओर जाते समय ही मेट विद एन एक्सीडेंट, तब उसका एक्सीडेंट हुआ। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक के बाद एक, है ना, वाइल कभी भी आया तो वन एक्शन आफ्टर अनादर, इसको क्या समझना है आपको, वन एक्शन, ठीक है ना, वन एक्शन आफ्टर अनादर, ये आपको समझना है कि एक एक्शन के बाद दूसरी एक्शन हुई। आप मुझे बताओ, दोनों एक्शन एक साथ हुई कि एक के बाद दूसरी हुई, भाई यही हुआ ना, एक के बाद दूसरा हुआ ना, पहले तो घर जा रहा था उसके बाद एक्सीडेंट हो गया। अब यहां पे देखो क्या हो रहा, दोनों ही काम हो रहा है, जा भी रहा है और हो भी रहा है, तो ये तो होगा नहीं, तो क्या हो गया, ये हमारा वाइल बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल सोचो मत, वाइल वाला है सही आ रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं क्यों गलत होंगे। देखो मीटिंग विद एन एक्सीडेंट, देखो ध्यान से, मीटिंग विद एन एक्सीडेंट का मतलब होता है एक्सीडेंट का सामना करते हुए, करते हुए, एक्सीडेंट का सामना करते हुए He was on his way, जब वो अपने घर की ओर जा रहा है। भाई ऐसा कैसे होगा, एक्सीडेंट का सामना करते हुए वो अपने घर जा रहा है, वापस यहाँ पे आईएनजी लग गया, आईएनजी लग गया मतलब दोनों एक्शन एक साथ हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा है, ये भी आपका रॉन्ग हो गया दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखो डी वाला, ही मेट विद एन एक्सीडेंट, ही वॉज ऑन हिज वे बैक
टू हिज होम। तो क्या हुआ कि वो एक्सीडेंट हुआ उसका, देखो ही मेट विद एन एक्सीडेंट, उसका एक्सीडेंट हुआ फिर वो अपने घर की तरफ चला गया। अब ऐसा थोड़ी होगा यार, एक्सीडेंट होगा तो लोग इकट्ठे होंगे, एम्बुलेंस आएगी, उसको अस्पताल लेके जाएंगे, घर थोड़ी जाएगा। ठीक है, और घर भी जाएगा तो थोड़ा रुकेगा, थोड़ा पानी वानी पिएगा, उसका ध्यान रखेंगे, उसके बाद घर जाएगा, घर छोड़ेंगे खुद थोड़ी जाएगा। तो ये भी आपका प्रैक्टिकली रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों हमारा, ये वाला बिल्कुल याद रख लो, आईएनजी, और इसका बहुत पूछते हैं, ठीक है, भरे पड़े हैं ऐसे एसएससी में, जेल प्रेरी में ये वाले क्वेश्चंस। आईएनजी आया मतलब दोनों एक्शन एक के ऊपर एक, एक साथ हो रहा है, और वाइल आया मतलब पहले एक फिर दूसरा, तो ये वाइल वाला हमारा राइट है। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चूज द अप्रोप्रिएट कंजंक्शन। क्या ढूंढना है, कंजंक्शन ढूंढना है फॉर द गिवन सेंटेंस। ठीक है, तो इसके लिए कंजंक्शन ढूंढना है। अब कंजंक्शन काम क्या करते हैं, कंजंक्शन दोस्तों काम करते हैं ज्वाइन करने का, ठीक है, ज्वाइन करने का, या फिर काम करते हैं कनेक्ट करने का। ठीक है, कनेक्ट करने का काम करते हैं, ज्वाइन करने का काम करते हैं कंजंक्शन में। मैं आपको दो तीन कंजंक्शन बता देता हूं, जैसे एक आपका एंड है, ठीक है, एंड कंजंक्शन, एक आपका बट कंजंक्शन, ठीक है, और एक आपका और कंजंक्शन। इनके कुछ नियम है दोस्तों, याद रखो, एंड का ये नियम है कि इधर आपका मान लो ये आपका, अगर आपका यहाँ पे कोई सेंटेंस है ना, सेंटेंस वन है, या फिर आप इसको वर्ड बना लो, है ना, ये आपका वर्ड हो गया ये है, और दूसरा आपका इधर सेंटेंस टू हो गया। ये दोनों सपोज दोस्तों यहाँ पे अगर आपका एक पॉजिटिव है सेंटेंस एंड के पहले, तो इधर वाला जो होगा ना वो भी आपका पॉजिटिव ही होना चाहिए, बिल्कुल याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। एंड के दोनों साइड सेम सेम सेंस के सेंटेंस होना चाहिए, अगर इधर पॉजिटिव सेंस है तो इधर भी पॉजिटिव सेंस का होना चाहिए, अगर इधर नेगेटिव सेंस का सेंटेंस है तो यहाँ भी दोस्तों आपका नेगेटिव सेंस का सेंटेंस होना चाहिए। ठीक है, बट की बात करो तो बट का बिल्कुल उल्टा, इधर अगर पॉजिटिव सेंस तो यहां आपका नेगेटिव सेंस, बिल्कुल उल्टा कर दो, यहां नेगेटिव तो दिस विल बिकम पॉजिटिव, ये याद रख लो। और का जो है बिल्कुल आपका कैसा होगा, सेम एज एंड, और का बिल्कुल एंड जैसा है। ठीक है, मतलब पॉजिटिव इधर आया तो यहां भी पॉजिटिव, नेगेटिव अगर इधर आया तो यहां भी नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है, और एंड बट का तीनों का क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हमारे ऑप्शंस की, देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, हमको इसमें ये आपका दिया हुआ है राजीव, ठीक है ना, राजीव वांट्स टू वर्क फॉर इंफोसिस, ध्यान देना। अब हम लोग इसको इंक चैन करके समझने की कोशिश करते हैं, देखो राजीव जो है wants to work for Infosys, तो राजीव जो है वो चाहता है कहाँ काम करना, नहीं कहाँ नहीं, किसके लिए काम करना चाहता है वो, Infosys के लिए। ठीक है, dash he is unable to meet the requirements for his role in the company, है ना, dash dash आ रहा, he is unable, unable मतलब नहीं कर पाया, not able To meet मतलब उसकी पूर्ति नहीं कर पाया, किसकी, to meet the requirement, जो भी conditions, जो requirement दी थी वहाँ पे उस role की, role मतलब जो भी उसका job profile था उसकी, वो नहीं कर पाया। तो देखो एक में क्या हो रहा है, एक में उसकी इच्छा दर्शाई जा रही है, मतलब यहाँ अगर मैं बात करूँ तो ये positive sense की बात हो रही है, ठीक है ना, यहाँ बात करूँ positive sense की बात हो रही है, दूसरे sense में आप देखो he is unable to meet the requirement, नहीं कर पा रहा है, मतलब यहाँ पे ये negative sense की बात हो रही है, इसका मतलब है हमारा क्या आने वाला है, वैसे ही आंसर आ गया, बट आने वाला है हमारा। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका दोस्तों। ठीक है, ये देखो इस तरीके से, ट्रिकी तरीके से आप करोगे बहुत जल्दी बहुत आसानी से समझ लोगे। देखो दूसरे क्यों नहीं होंगे वो भी देख लेते हैं, राजीव wants to work for Infosys then, तो then तो भैया comparison के लिए होता है, किसके लिए होता है, नहीं ये then जो है than वाला, एक मिनट, ये आपका comparison, ठीक है, comparison का जो then होता है ना दोस्तों वो ये वाला होता है than, spelling का फर्क है, ठीक है ना, ये जो then जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये tan आपका यूज करते हैं हम लोग टाइम की, ठीक है, टाइम, जैसे टाइम की बात होती है, ठीक है, जैसे ये आप देखो कि देन किसके सेंस में यूज करते हैं हम लोग, टाइम के सेंस में, तो यहाँ टाइम के सेंस में तो कोई बात नहीं हो रही, देन ही इज अनेबल,
ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। दूसरा क्या है, बट तो हो ही गया हमारा आंसर। एंड का मैंने बताया था, दोनों का पॉजिटिव आना था या नेगेटिव आना था, ये नहीं आएगा। इफ का मतलब है यदि, तो ये तो कंडीशन की बात हो रही है, तो यदि का तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा। राजीव वांट्स टू वर्क फॉर इंफोसिस, यदि इफ ही इज अनेबल टू मीट, यदि नहीं, अगर क्या होता दोस्तों कि वर्क इफ ही इज एबल टू बी, एबल होता तो हम लोग एक बार मान लेते। चलिए क्लियर है, बी वाला हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज दी अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर दी गिवन सेंटेंस, ठीक है। आर्टिकल्स हम लोगों को इसमें से ढूंढना है दोस्तों, समझा। ऑप्शन से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ आर्टिकल क्या होते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कई बार आर्टिकल पढ़ने के बाद भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं, और कई बार देखो दो दो क्वेश्चन बनते हैं, आपका 20 मार्क का पेपर है और उसमें से 2 मार्क्स आपके आर्टिकल के पक्के हैं, है ना। 2 मार्क्स तो पक्के आने ही हैं आपके, एक तो हमेशा ही आता है और एक दो बिल्कुल चांसेस है कि 2 मार्क्स का आपका आर्टिकल का ही क्वेश्चन आएगा। इसलिए पूरा ध्यान से करना है, 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स है, 2 मार्क्स आप मान के चलो आर्टिकल, इतना जरूरी है आपके लिए आर्टिकल। इसलिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताता हूँ। आप देखो आर्टिकल जो है दोस्तों, 2 टाइप्स के आर्टिकल होते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल ऐसे समझो, 2 तरह के आर्टिकल्स होते हैं। एक आपका होता है इनडेफिनेट, इनडेफिनेट मतलब जिसमें अनिश्चितता, ठीक है, क्या होता है, अनिश्चय होता है, अनिश्चित, है ना, अनिश्चित आपका आर्टिकल हो गया। और दूसरा जो होता है आपका डेफिनेट, जिसका मीनिंग है आपका निश्चित। क्या मीनिंग है भाई डेफिनेट का, निश्चित, ठीक है, बिल्कुल एकदम निश्चित है आप किसी चीज में, तो उसके लिए आप लोग डेफिनेट बोल सकते हो। इनडेफिनेट में आपके 2 आर्टिकल्स होते हैं, एक होता है आपका ए, दूसरा होता है आपका एन, ठीक है। एक बात याद रखो, दोनों ही मतलब का होता है, दोनों का मतलब होता है एक, सिंगल। क्या मतलब होता है, एक की अपन बात करते हैं, सिंगल की बात करते हैं। जब किसी एक व्यक्ति की सिंगुलर की बात हो रही है तो ही हम लोग इन दोनों को यूज करते हैं। मतलब ये जो है आपका, ये सिंगुलर के लिए यूज होता है, ठीक है, ये सिंगुलर के लिए। और डेफिनेट आर्टिकल जो है वो हम, आप सिंगुलर में भी यूज कर सकते हो और आप जो है प्लूरल में भी यूज कर सकते हो, दोनों कंडीशन में आ सकता है। लेकिन इसके अंदर आपका केवल एक ही आता है, THE, द, ठीक है, यही आता है। अब आप देखो कुछ वर्ड्स मैं ले लेता हूं इसमें। अगर सपोज मैंने लिखा कार, ठीक है, अब ये कौन कहाँ आता है वो समझ लो, कार। तो कार जो है इसका जो साउंड है क का, क साउंड है, क मतलब ये जो है आपका कंसोनेंट है, क्या है ये, कंसोनेंट, क्या है दोस्तों, कंसोनेंट, मात्रा नहीं है, क्या है, स्वर है। तो कोई भी स्वर आया आपका, कोई भी स्वर की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसोनेंट बोलते हैं, ठीक है। उसको, इसको मैं फिर से लिख देता हूं, ठीक है, कोई भी स्वर की जब हम बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंसोनेंट बोलते हैं। जैसे कार है तो ये स्वर हो गया क का, तो यहां पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अ कार, ठीक है। ये जो हम यूज करते हैं, जैसे एक हो गया आपका एन आउल, क्या हो गया, एन आउल हो गया। तो आउल जो है ये आपका क्या है दोस्तों, वोवेल, क्या है ये आपका, वोवेल, ठीक है। वोवेल का मतलब क्या होता है, मात्रा भाई, वोवेल का क्या मतलब होता है, मात्रा। कितनी मात्रा होती है, तो 5 आपकी जो मात्राएं हैं, ये देखो स्टार्टिंग वर्ड ये ओ, तो आउल आ, कौन सी आवाज कौन सी आ रही, साउंड देखा करो, ये आ की साउंड आ रही है। आप ना उसका स्वर देखा करो कि उसमें, सॉरी उसके साउंड देखा करो, उसमें स्वर देखा करो, हाँ कि नहीं, कुछ गलत बता दिया क्या मैंने, हाँ ये आपका कंसोनेंट मतलब व्यंजन होता है, सॉरी कंसोनेंट जो है आपका क्या होता है, व्यंजन, ठीक है, व्यंजन होता है, ठीक है, ये व्यंजन होता है। और ये आपका मात्रा, या इसको हम लोग स्वर बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको मात्रा या स्वर बोलते हैं। तो कौन से, देखो थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं हम लोग कि वोवेल में अगर मैं बात करूं कौन कौन सी मात्रा होती है। देखो वोवेल साउंड, इसको ध्यान रखना है आपको, वोवेल साउंड को आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से होते हैं, ए ई आई और ओ और यू,
ठीक है। अब इसका साउंड आप ध्यान देना है ना, हिंदी में इसको जैसे ए ए का साउंड है ना, ई का साउंड है, या आई में भी याद रखना ई का और अ का भी साउंड होता है, अ का, ये दो साउंड है, और इधर ओ का साउंड, ठीक है। और यू में, यू के अंदर आप एक चीज ध्यान रखना, केवल अ का साउंड, ऊ वाला साउंड नहीं, अ का साउंड, ठीक है, ये साउंड का आपको ध्यान रखना है। अब आप देखो एक एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा एम पी है ना, तो क्या आने वाला है, तो अगर आपको डाउट हो रहा है कि यार क्या आने वाला है, मुझे नहीं पता ए आएगा एन आएगा, तो आप क्या करो कि यहाँ पे आप उसका हिंदी कर लो, इसको हिंदी में लिख के बताओ जरा, एम पी को हिंदी में लिख के बताओ, तो क्या होगा सर, हिंदी में लिखोगे तो एम और पी, हिंदी में ऐसे ही लिखोगे ना, तो शुरू किससे हो रहा है, देखो शुरू तो ए से हो रहा है, म से थोड़ी शुरू हो रहा है, इससे शुरू हो रहा है, तो ये तो आपका वोवेल है, मतलब यहाँ पे एन आएगा, कब, जब एक की बात हो रही है, इनडेफिनेट की बात हो रही है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। देखो इस तरीके से पहचानना है कि हमको एन कहाँ लगाना है, ए कहाँ लगाना है, जैसे आप ये देखो यूनिवर्सिटी है ना, ये हमने लिखा यूनिवर्सिटी, अब मुझे बताओ इसका हिंदी कर, कम से कम इसका शुरू का जो वर्ड है उसकी हिंदी कर लो, जैसे ये क्या लिखा है ना, तो ये यूनि लिखा है, यूनि, तो यह यज्ञ का, उसमें बड़े ओ की मात्रा और उसमें फिर नी, ऐसा आया, ठीक है, तो यूनि जब लिखा है तो यह तो हमारा वोवेल नहीं है, यह वोवेल है क्या, यह यज्ञ का, इसको नहीं देखना है, मैं वही बता रहा हूँ, इसको नहीं देखना है, इसको कभी नहीं देखना है आपको, इसका जो स्वर है उसको देखना है, उसका जो साउंड आ रहा है ना हिंदी में उसको देखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा अ यूनिवर्सिटी, क्यों, क्योंकि वोवेल नहीं है, क्लियर हो रही है मेरी बात, भाई हमको इन वर्ड्स को नहीं देखना है, यही बहुत सारे बच्चे जो है ना यही गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं, जहाँ ये दिखा यू दिखा ओ दिखा कुछ दिखा तो वो तुरंत उसके बाद जो है एन लगा देते हैं, तो वैसा नहीं करना है, ठीक है, इनका साउंड देखना है, कोई सा भी दुनिया का कोई सा भी वर्ड हो, लेकिन साउंड अगर हो रहा है वोवेल का तो हम लोग एन लगाएंगे, बस इतना ध्यान रखो, तो ये ए यू का साउंड है तो यहाँ पे ए आएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो एक और वर्ड ले लेते हैं, जैसे ऑनेस्ट, एच ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट आपका शब्द लिखा हुआ है, बताइए जरा क्या आएगा, है ना, ए आएगा कि एन आएगा, ए आ गया और दूसरा एन आ गया, क्या आना चाहिए, है ना, क्या आना चाहिए, देखो ऑनेस्ट एच है तो एच मत देखो यार, इसको बोलते कैसे हैं वो देखो, ओ वाला चंद्र बिंदु वाला ओ आ रहा है, तो ओ आ रहा है तो मतलब एन ऑनेस्ट आ गया, है ना, इस तरीके से अपने को पकड़ करना है। चलिए क्लियर है, समझ में आया, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोगों को। चलिए अब बात करते हैं हमारे ऑप्शंस की, ठीक है, क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, देखो ये क्वेश्चन है, माय अंकल लिव्स इन डैश होम फॉर एल्डरली। अच्छा मैंने ये नहीं बताया ना आपको डेफिनेट का द का, देखो द का तो ऐसा है दोस्तों, जब भी आप किसी को पिन पॉइंट कर रहे हो, जब भी किसी एकदम स्पेसिफिक पिन पॉइंट कर रहे हो, उसको भीड़ से हटा रहे हो, जैसे द पेन इज केप्ट देयर, मतलब उस बहुत सारे पेन होते हैं दुनिया में, लेकिन उसको पर्टिकुलर स्पेसिफिक कर रहे हो तो द लगा देंगे, है ना, द मैन इज हंगरी, द बॉय इज हंगरी, द स्टूडेंट इज हंगरी, मतलब वो बच्चा जो है, अब कौन सा, बहुत सारे स्टूडेंट हंगरी भूखे, वैसी बात नहीं हो रही है, एक वो बच्चा जब उसको एकदम चिन्हित कर देते हैं, उसको एकदम निश्चित बना देते हैं, डेफिनेट बना देते हैं, तो वहां पे द आ जाता है, ये याद रखो, है ना। अब देखो यहाँ पे माय अंकल लिव्स इन डैश होम, ठीक है, फॉर डैश एल्डरली, ठीक है, तो मेरे जो अंकल है वो डैश होम में रहते हैं डैश एल्डरली। अब देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो देखो माय अंकल लिव्स इन डैश होम फॉर एल्डरली, तो एल्डरली का मतलब क्या होता है, एल्डरली का मतलब होता है बड़े बुजुर्ग, है ना, बड़े, या तो आपके बड़े लोग जो हैं घर में वो, या फिर जो बुजुर्ग, ठीक है, तो ये या फिर जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है, बड़े या बुजुर्ग, तो बड़े बुजुर्ग तो बहुत सारे, लेकिन उस स्पेसिफिक बड़े बुजुर्ग की बात हो रही है, मतलब उनके ही बड़े बुजुर्ग, मतलब मेरे अंकल जो हैं वो घर में ठहरे हैं बड़ों के लिए, उन बड़ों की देखभाल करने के लिए, तो वो जो बड़े हैं, जो एल्डरली लोग हैं, वो पर्टिकुलर है, डेफिनेट लोग हैं, अब दुनिया के सारे बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बात हो रही है क्या, नहीं हो रही है भाई, उन्हीं के, उसी अंकल के जो बड़े बुजुर्ग हैं, अंकल के जो परिवार के जो बड़े लोग हैं, एल्डर लोग हैं, उनकी बात हो रही है, इसका मतलब लास्ट में तो द आना ही आना है, क्या आने आना, देखो किस तरीके से ट्रिक बताता हूं आपको, यहां इस ब्लैंक को आप बिल्कुल धारण कर लो, इस ब्लैंक को का पकड़ लो, तो आपको फर्स्ट ब्लैंक भी आ जाएगा, है ना, तो द आना ही आना है लास्ट में, द आने आना है, तो कहें द लास्ट में, ये रहा ये आंसर है हमारा, हो गया खत्म, ठीक है,
मैं सही बिल्कुल बता रहा हूँ, इसी तरीके से करना है। आप देखो, माई अंकल लिव्स इन डैश होम फॉर द एल्डरली, तो ये तो मेरे को कंफर्म हो गया कि भैया उस पर्टिकुलर एल्डरली की बात कर रहा हूँ, इसलिए द आएगा, तो यहाँ पे अ आएगा, देखो जम भी रहा है। माई अंकल लिव्स इन अ होम, उस घर की यहाँ पे जोर नहीं दिया जा रहा है, उस घर को एकदम निश्चित चिन्हित नहीं किया जा रहा है ना, लेकिन एल्डरली को किया जा रहा है, तो यहाँ पे ए और द, ये हमारा बी वाला करेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।